दोस्तों जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें स्टार डेल्टा की ड्राइंग के विषय में बताया था। एक थोड़ी सी मतलब मैंने बोला सही था, बाद में कमेंट आया तो मैंने उस चीज़ को बाद में देखा तो गलती मेरी थी। तो यहाँ पर मैंने एनओ लिख दिया था गलती से, वो थोड़ा मैंने अपनी गलती में मानता हूँ कि ये एनओ नहीं है दोस्तों, ये एनसी है। स्टार की एनसी से डेल्टा की कॉइल को होल्ड कराएंगे और डेल्टा की एनसी से स्टार की कॉइल को होल्ड कराएंगे। दोस्तों काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि कुछ लड़के पूछ रहे थे कि ये क्वेश्चन एएलपी के एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा, इसरो का भी एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम वीडियो कुछ ऐसे टॉपिक पे बनाएं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो। तो मैंने सोचा कि न्यूमेरिकल, काफ़ी यूट्यूब पे वीडियो मैंने देखे तो मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि न्यूमेरिकल बहुत कम लोग बताते हैं, तो ये मैंने सोचा कि न्यूमेरिकल पे वीडियो बनाए जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। तो ये मैं नया शुरू कर रहा हूँ न्यूमेरिकल्स के वीडियो, अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। तो देखिए वीडियो, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए। तो आइए टॉपिक पे चलते हैं। तो दोस्तों ये हम आ गए स्क्रीन पे, कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए उनको सॉल्व करते हैं, जिसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और एग्जामों में आए हुए हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन इसरो के एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ एएलपी के एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एग्जाम में ये न्यूमेरिकल आए हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आपको पसंद आएंगे। पहला क्वेश्चन है, एक लैंप के सिरों के मध्य पोटेंशियल अंतर 220 वोल्ट है, यदि इनमें से निकल रहे करंट की मात्रा 0.11 एम्पियर हो तो लैंप का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए हमको दिया क्या है, पहले लिख लेते हैं हम यहां पे दिया क्या क्या है हमको। देख लीजिए वोल्टेज कितना हमको दिया है, वोल्टेज इज इक्वल टू 220 वोल्ट। ठीक है, ये देखिए 220 वोल्ट हमको वोल्टेज दिया गया है। इसके बाद अब हमें करंट आई कितना है हमारा, 0.11 एम्पियर। ठीक है, अब सीधा हम इसको ओम का जो नियम होता है में हम रखेंगे, R इज इक्वल टू वी अपान आई, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 220 बटे 0.11, इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका सीधे आप डिवाइड करोगे तो सीधे सीधे आ जाएगा 2000 ओम आंसर। केवल आपको R इज इक्वल टू वी अपान आई फार्मूले पे रखना है, बाकी सब चीज आपको दिया ही है, साल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक हीटर का प्रतिरोध 48.5 ओम है, इसे 220 वोल्ट सप्लाई प्राप्त है, करंट ज्ञात करिए। तो अब सिंपल हमको सबसे पहले क्या है दिया है देख लेते हैं, क्या क्या दिया है हमको, सप्लाई वोल्टेज हमारी है 220 वोल्ट। ठीक है, हीटर का जो प्रतिरोध है R इज इक्वल टू दिया है 48.5 ओम, और क्या दिया है हमको, अब हमको क्या करना है, जो करंट ज्ञात करना है। ये देखिए 220 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज दिया है और प्रतिरोध हमको इतना दिया है और I इज इक्वल टू ज्ञात करना है हमको। तो बहुत ही आसान है, इसको हम सीधा ओम के नियम पे रख देंगे, इसको ओम के नियम पे रखेंगे तो I इज इक्वल टू वी अपान आर, धारा में ज्ञात करना है, V इज इक्वल टू IR होता है, उसको आप किसी भी तरह घुमा लीजिए, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 220 बटे 48.5, वोल्टेज 220 बटे, रेजिस्टेंस हो गया 48.5, इज इक्वल टू हल करेंगे इसको हम तो आ जाएगा 4.54
एम्पियर। आंसर बहुत ही सिंपल है दोस्तों, क्वेश्चन भले टफ हो आंसर बहुत आसानी से निकल जाएगा अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक हार्ड प्लेट की रेजिस्टेंस 31.25 ओम है या 8 एम्पियर करंट कितनी वोल्टेज पर ले रही है, इसमें हमें वोल्टेज पता करना है, ठीक है। बाकी में धारा किसी में पता करना था, किसी में रेजिस्टेंस पता करना था, इसमें वोल्टेज। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ये इसरो का क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। तो इसमें हमें दोस्तों दिया है, हमें क्या दिया है, जो हार्ड प्लेट का जो हमारा रेजिस्टेंस है, हॉट प्लेट का रेजिस्टेंस कितना है, आर इज इक्वल टू कितना दिया है दोस्तों, 31.25 ओम, ठीक है। इसके बाद जो हमारा करंट है आई इज इक्वल टू कितना दिया है, 8 एम्पियर, ठीक है। तो 8 एम्पियर हमारा करंट हमको दिया गया है। अब इसके बाद हमें वोल्टेज पता करना है, वी वी इज इक्वल टू हमें पता करना है। तो सिंपल इसको भी हम ओम के नियम पे रख देंगे, तो ओम के नियमानुसार हो जाएगा वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये हमारा ओम का नियम है। तो अब सिंपल, अब देखिए वोल्टेज हमें पता करना है, आई हमें पता है 8 एम्पियर इंटू आर हमें कितना है 31.25 इज इक्वल टू, अब दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 250 वोल्ट आंसर। बस सिंपल आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक रिले के क्वायल का प्रतिरोध 1000 ओम है, रेटेड वोल्टेज कितना है, 24 वोल्ट है, रेटेड करंट कितना होगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, R इज इक्वल टू ये देखिए कितना है 1000 ओम, ठीक है। इसके बाद वोल्टेज कितना दिया है 24 वोल्ट, ठीक है 24 वोल्ट हमें दिया गया है। अब इसके बाद हम करंट को हमको ज्ञात करना है, देखिए करंट पूछ रहा है तो करंट आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम सिंपल ओम के नियम पर इसको भी रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम क्या कहता है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, क्योंकि धारा हमें पता करनी है तो हो जाएगा वोल्टेज कितना है हमारा 24 वोल्ट, ठीक है, बटे हमारा प्रतिरोध कितना है 1000, ठीक है। अब इज इक्वल टू, अब 1000 का हम 24 में 24 में हम भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.024 एम्पियर, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारा, धारा हमारी इतनी आ गई। अब अगले क्वेश्चन पर ही चलते हैं। एक 2 किलोवाट 220 वोल्ट का गीजर है, एक गीजर है जो 2 किलोवाट का है, 220 वोल्ट सप्लाई उसकी इनपुट सप्लाई है, इसका अधिकतम करंट 9 एम्पियर है, ठीक है। तो लोड दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है, करंट दिया गया है और हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आइए इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, दिया है, दिया है इसमें वोल्टेज 220 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। इसके बाद धारा आई इज इक्वल टू 9 एम्पियर, धारा भी हमको दी गई है। इसके बाद हमें प्रतिरोध आर ज्ञात करना है, आर प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको भी सिंपल हम ओम के नियम पे रख देंगे। ओम का नियम क्या कहता है, आर इज इक्वल टू वी अपान आई,
तो इज इक्वल टू हो जाएगा 220 अपान 9 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 24.44 ओम आंसर। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, भड़बड़ाने की डरने की जरूरत नहीं है, आराम से आप सॉल्व करेंगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीन चालक जिनका क्रमवार प्रतिरोध 5 ओम 10 ओम 15 ओम है, ठीक है, आपस में श्रृंखलाबद्ध रूप से जुड़े हुए हैं और समांतरबद्ध रूप से भी जोड़े गए हैं, दोनों स्थितियों में कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, श्रृंखलाबद्ध में पूछ रहा है और समांतर क्रम में भी पूछ रहा है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले श्रृंखला वाला है तो का में ही सबसे पहले चलते हैं, का पहले हम श्रृंखला वाला देखेंगे। श्रृंखला में आप जानते ही हैं कैपिटल आर इजकल टू होता है R1 + R2 + R3 ऐसे ही होता है। तो अब हमारा कैपिटल आर इजकल टू कितना कितना है, 5, 10, 15 ओम। ठीक है, तो 5 + 10 + 15 ओम इजिकल टू हो जाएगा 30 ओम, इसका ये आंसर हो गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब समांतर में चलते हैं, खा नंबर समांतर में इसको आप जानते हैं 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ये होता है। अब इसको सिंपल हम = 1/5 + 1/10 + 1/15। ठीक है, इसके बाद इसका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारा आ जाएगा ऐसी संख्या लेंगे जो ये तीनों काट दें तो 30 आएगी। ठीक है, तो 5 का हम इसको डिवाइड करेंगे और जो आएगा उसके इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 5, 6 से 6 कटेगा और 6 + 3 आएगा, 3 + 3 प्लस 2 आएगा, 2 + 2 इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 6 × 3 = 10 = 11 / 30। अब ये था, अब इसको हम पलट देंगे तो हो जाएगा 30/11। ठीक है, अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, इसको हम जब काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.727 ओम आंसर। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हो इस वीडियो को, इस वीडियो पर दोस्तों मैं सीधा सीधा एक टारगेट रखता हूं कि अगर 1000 लाइक आता है तो दोस्तों मुझे उम्मीद रहेगी कि मैं अगला वीडियो मैं आपको देता हूं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो कि ALP का एग्जाम देने वाले हों, इसरो का एग्जाम देने वाले हों, TG2 का एग्जाम देने वाले हों, जो कि ये क्वेश्चंस उनको मिल जाएंगे एग्जाम हॉल में। और दोस्तों अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए नीचे रेड कलर की बटन है, उसके बगल में नोटिफिकेशन की बेल है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगली जो वीडियो मैं डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।